चलिए इसको मैं आप पढ़ता हूँ, इस प्रोविजन को आप एक एक करके पढ़ते हैं और चीज़ों को हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस कर लिया काफ़ी चीज़ें, यूनिटी ऑफ गोल्स के बारे में बता दिया, जो कि एक एग्री होते हैं कि एक अचीव करने के लिए पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए होते हैं, जहाँ फिजिकल प्रेजेंस की भी ज़रूरत होती है। फिर मैंने आपको बताया कि बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें मैंने आपसे कहा कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है उसके ऊपर, पार्टी के ऊपर होता है, जो ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो इस चीज को उसको प्रूफ करने का बर्डन उसी के व्यक्ति के ऊपर होगा, ये क्लियर। तो चलो मैं एक बार प्रोविजन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद सारी चीजें क्लियर होंगी क्या है एग्जैक्टली ये प्रोविजन। कहता है कि इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर, पहली चीज देखो ये ऑफेंस था, यहां देख लो अब यही ऑफेंस, ऑफेंस इज कमिटेड बाय कौन, एनी मेंबर। बहुत बढ़िया, तो एक व्यक्ति है, यहां कह रहे कोई भी मेंबर, कौन मेंबर, ये अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर, एक से पांच से ज्यादा किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है, एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, जो हमने आपसे डिस्कस कर ली। इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली न्यू to be likely to be committed in prosecution of that object. तो दो चीजें यहां अलग अलग हैं, मैं इनको डिफ्रेंशिएट करता हूं। एक पहला कहता है इसमें, कह रहा कि an offense committed by a member of unlawful assembly should be in prosecution of common object of assembly. तो should be in prosecution of common object, एक बात हो गई। दूसरा कह रहा है कि an offense such as a member of that assembly, an offense such as a member of unlawful assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, assembly knew, new to be likely to be committed likely to be committed in prosecution of that object. ऑब्जेक्ट, अब यहां देखो इसको हमने दो अलग अलग चीजें मेंशन कर दी, दो अलग अलग बातें हमने आपसे मेंशन कर दी। पहली बात जो हमें आपसे डिस्कस करना है वो ये बात करता है, कहता है कि द ऑफेंस शुड बी इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा कोई भी एक्ट जो कि किया जा रहा हो एक कॉमन डिजाइन में रहते हुए, एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस को अराइज करने के, पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के पर्पज से, और जिसका आपकी पार्ट हो वो व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर ने वो कार्य किया हो। तो जो पहला यहां जो दो बार वर्ड प्रोसिक्यूशन यूज किया गया है, तो प्रोसिक्यूशन का सबसे पहले मतलब हमें समझना है कि क्या होता है प्रोसिक्यूशन का मतलब, और दूसरा ये समझना है कि दो अलग अलग बार प्रोसिक्यूशन मतलब यूज किए गए हैं। तो एक केस आया क्वीन वर्सेस साबिदा अली 1873, तो ये बात जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, क्वीन वर्सेस साबिदा अली 1873,
इस केस में ये कहा गया था कि प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट जो है, वर्ड यहां क्या क्या यूज किया गया, प्रोजिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ड जो यूज किया गया है, एक सिचुएशन है, इसको दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक सिचुएशन है जहां की इमीडिएट इफेक्ट देने की बात हो रही है, तो ये क्या है, इमीडिएट इफेक्ट की बात हो रही है, इमीडिएट इफेक्ट की बात हो रही है। इसका मतलब है कि एक्ट मस्ट बी इमीडिएट, और दूसरा मतलब है यहां कि द एक्ट मस्ट बी कनेक्टेड विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। दो अलग अलग बातें हैं कि एक ऐसा एक्ट जो कि इमीडिएटली है और कनेक्टेड विद कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कनेक्टेड विद कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो दो यहां अलग अलग दो बातें कर रहा है कि पांच लोगों ने, ऐसे एक एग्जांपल समझो कि आपको समझ में आए, कि पांच लोगों ने एक अनलॉफुल असेंबली बनाई जिनके सामने ये कार्य, जिनके सामने ये उनका ऑब्जेक्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो यहां रह रहे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, वो या जो अभी आप जवान ज्योति, जो ज्योति है आपकी, उस पर आप वो पत्थर मारने के लिए जो आप कॉमन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि वो कौन सा कार्य करने जा रहे हैं, और इमीडिएट इफेक्ट की बात हो रही है, और इमीडिएटली उनको ये पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो सकते हैं। मतलब ये व्यक्ति में वहां इंटेंशन भी इन्वॉल्व है और कॉमन डिजाइन भी इन्वॉल्व है। तो एक कॉमन ऑब्जेक्ट की ही यहां रेशनैलिटी को एग्जामिन किया जा रहा है, या और कोई चीज नहीं देखी जानी। और दूसरी बात जो हम आपसे डिफरेंस करना चाह रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, वो दूसरी बात कर रहा है कि एन ऑफेंस सच एज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली न्यू टू बी लाइकली। तो यहां एक नॉलेज की बात कर रहा है, नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ कमीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑफेंस, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के कमीशन के लिए उसको नॉलेज है या वो जानता है कि इस तरीके के कोई भी कॉन्सिक्वेंस अराइज हो सकते हैं। तो ये दो डिफ्रेंशिएशन, दो अलग अलग बातों की बात करते हैं। पहला मैं एक बार बताता हूं कि जहां कि कोई भी व्यक्ति, ऐसे दूसरे वाले का एग्जाम्पल समझो कि जहां कोई भी व्यक्ति जिसको कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ या किसी थाने में या पुलिस वालों के पुलिस स्टेशन में कोई जाता है, पुलिस स्टेशन के ऊपर अगर आप धावा बोलते हो तो पुलिस वाले वहां से गोली चला सकते हैं, वहां किसी का मर्डर हो सकता है, वहां किसी का इनकाउंटर में गोली चल सकती है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, नॉलेज का प्रिजम्पशन यहां आ जाता है, लोग यहां लाइकलीहुड होते हैं कि उस डेंजर के बारे में, उन एक्शंस के बारे में उनको पता होता है। चोरी, कोई चोरी करने बाइकर है, सपोज है कोई गाड़ी से, मतलब अपनी कार से कोई चोरी करने जा रहा है कोई भीड़ वाली जगह में, उसको पता है कि अगर वो भागेगा, अगर ये पांच लोग भागेंगे गाड़ी शहर के बीच से, तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहां एक लाइकलीहुड है, नॉलेज है उस चीज को समझने की कि यहां घटना हो सकती है, घटित होने की संभावना है। तो यहां उसके पास इस चीज का लॉ उस चीज को प्रज्यूम कर लेता है कि इसके पास तो जानकारी रही होगी। तो दो अलग अलग बातें हैं, एक जहां कॉन्सिक्वेंस के बारे में आपको पर्टिकुलरली जानकारी है कि यही कार्य होना है, कि इमीडिएट इफेक्ट से यही कार्य होना है कुछ कॉमन डिजाइन में, दूसरा कार्य होने के बारे में, इमीडिएट कार्य के बारे में नहीं पता लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके बारे में उसको हल्का सा एजम्पशन है। सपोज 10-5-7 लोग जाते हैं किसी घर में चोरी करने, चोरी करने जाएंगे तो कहीं गेट तोड़ना पड़ेगा, घर में घुसना पड़ेगा, तो ट्रेसपास होगा, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग करना पड़ेगा, ये सब तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के। लेकिन चोरी करने गया है और दूसरा जाके किसी के साथ रेप कर देता है, तो क्या सब रेप के लिए भी लाइबल होंगे? नहीं, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंस नहीं है, वहां उस व्यक्ति की इंडिविजुअल लाइबिलिटी होगी, क्योंकि वो कॉमन डिजाइन की बात नहीं है। तो कॉमन डिजाइन का मतलब होता है जहां यूनिटी ऑफ पर्पस होता है और प्रॉक्सिमिटी ऑफ एक्शन होता है। तो यूनिटी ऑफ पर्पस क्या है यहां, कि एक किसी पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस को अराइज करने के लिए सभी लोग उस प्रोजिक्यूट कर रहे हैं उस चीज को। और प्रॉक्सिमिटी क्या है, प्रॉक्सिमिटी है कि कॉमन डिजाइन में रहते हुए और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट के पर्पस से वो लोग एक रिलेशन मेंटेन हो रहा है, उस एक रिलेशन, उस रिलेशन को बनाने के लिए वो लोग उसकी तरफ जा रहे हैं।
इतनी बातें आपको समझ में आएगी, एक एक एग्जाम्पल दूंगा आपको तुरंत समझ में आने लगेंगी ये चीजें। अब यहां इसी वाले में नॉलेज में कह रहे कि अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है, अब यहां क्या क्या टेस्ट होते हैं देखो, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या टेस्ट लेट डाउन किए गए। पहला टेस्ट है इसमें कि व्यक्ति को उस घटना के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि यह घटना हो सकती है, कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, क्या जिसमें वो पार्टिसिपेट करने जा रहा है वो उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, कोई भी व्यक्ति ऐसे समझो, इसको मैं हटाऊंगा, समझो एक ए है, बी सी डी और ई, ए सब मिलके एक कंडक्टर है बस का, उस बस के कंडक्टर को लूटने जाते हैं। बस में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, बस में गए, बस में घुसे, भाई ये भाई इनकी बस थी, बस चलती जा रही थी, सपोज ये बस हो गई, यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ, यहाँ एक गेट है, इस गेट से घुसते हैं, अंदर घुसे, थोड़ी ने अपनी अपनी सीट ली, बैठे हुए थे, कॉमन ऑब्जेक्ट बन चुका है इनका, ये पहले से ही कॉमन डिजाइन में है। और आते हैं यहाँ कंडक्टर को, यहाँ कंडक्टर बैठता है, जनरली यहीं बैठता है, तो कंडक्टर यहाँ बैठा हुआ था, ये सब मिल के आते हैं, इसको अपना मारते पीटते हैं, इससे कुछ पैसे उसे छीन लेते हैं। कंडक्टर से लड़ाई होने की बात हुई थी, कंडक्टर के पैसे को छीनने की बात हुई थी, सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये भाई भाई सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, एपी कर लो, पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन तभी एक सिचुएशन ऐसी बनती है जहां की पुलिस स्टेशन में ड्राइवर जो है, जैसे लड़ाई होती देखी, उसने पुलिस स्टेशन में गाड़ी ले जाके खड़ी कर दी, पास में पुलिस स्टेशन रहा होगा, सिचुएशन समझो, गाड़ी खड़ी कर दी, और पुलिस वाले तब तक अपनी गन लेके तैयार हो गए, तो यहां काउंटर होने के भी चांसेस आ गया, क्या नया ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नया कॉमन ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, तो स्पर ऑफ द मोमेंट नया कॉमन ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन देखो कि ये लोग डिजाइन तो कर रहे थे, तब तक सी जो था, इसने यहां कोई सपोज मानते हैं कोई लड़की बैठी रही होगी, उसके साथ इसने कुछ गलत काम किया, मतलब उसको मॉलेस्ट किया या कुछ भी सेक्सुअली मॉलेस्ट किया उसको, जो कि इस कॉमन डिजाइन का पार्ट नहीं था, तो इसकी लायबिलिटी क्या होगी, इसकी इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी, क्या होगी, इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी। जब ये लड़ाई चल रही थी, जब ड्राइवर ने गाड़ी स्पीड बढ़ाई और थाने की तरफ जाने लगा, तभी इस जगह पे एक व्यक्ति जो ये डी था, ये भागता हुआ यहां से आता है, गेट बंद रहता है, भागता हुआ आता है, कूदता है और भाग जाता है, कूदता है और भाग जाता है। देखो यहां मैंने बताया कि कितने कॉमन ऑब्जेक्ट बने, पहला कॉमन ऑब्जेक्ट था कंडक्टर को लूटने का, तो जो डी की लायबिलिटी होगी पहले कॉमन ऑब्जेक्ट में, तो इसकी कंप्लीट लायबिलिटी होगी। जो दूसरा कॉमन ऑब्जेक्ट बना, जो पुलिस से रिटेलिएट करने का था, पुलिस के अगेंस्ट में पावर यूज करने का था, वो क्या कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डी पार्टिसिपेट करेगा, नहीं होगा, क्योंकि चेन जो है वो ब्रेक हो चुकी है और एक नया कॉमन ऑब्जेक्ट वहां फॉर्म हुआ है, और जैसे ही नया कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ तो फिर उसमें कोई चांस है ही नहीं है, टेम्परिंग एंड चांसेस नहीं है, तो ये भाई साहब तो भाग गए, तो इनकी तो कोई जिम्मेदारी होगी नहीं, सी ने मॉलेस्ट किया, सी ने उससे हटके कोई कार्य किया, तो प्रॉक्सिमिटी इसमें रिलेशन नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, एक रिलेशन होना चाहिए, एक प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए अनलॉफुल असेंबली से और उसके प्रोसिक्यूशन में एक एक्शन से, कोई रिलेशन होना चाहिए, यहां तो कोई रिलेशन है ही नहीं है। ठीक, कोई रिलेशन है नहीं, रिलेशन है सी का कोई रिलेशन नहीं है। फिर तीसरी बात, यहां इंटेंशन या क्या क्या इंपॉर्टेंट हो रही है आपकी नजर में, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो रही है मेरी नजर में पहली चीज तो कॉमन ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज लोगों की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, लोगों की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, मतलब पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, और
प्रेजेंस के साथ साथ उस पार्टिसिपेशन के साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, एक कॉमन डिजाइन इंपॉर्टेंट है, और उसमें यह जरूरी नहीं कि किसने किया हो, ठीक है, किसने किया हो ये कार्य, ये जरूरी नहीं है कि इसने किया हो, इन्होंने किया, नहीं, सारे लाइबल होंगे, एक तरफ से सारे लाइबल होंगे। तो ये हमें बताना था। एक सिचुएशन और देखते हैं।